तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है, किसी भी एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होता है वो आई अल्फा के बराबर होता है। अब मैं किसी एक्सिस के अबाउट किसी एक सिंगल फोर्स का टॉर्क निकालना आपको सिखाने जा रहा हूं। ये बात थोड़ी सी गहरी है तो थोड़ा इसको अच्छा ध्यान के साथ आप लोग इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। सपोज करिए कि ये एक एक्सिस है और मुझे किसी एक फोर्स का टॉर्क निकालना है। ये फोर्स पता नहीं कैसा है, मान लेते हैं कि ये फोर्स जो है ऐसा है, क्रॉस्ड फोर्स है, अंदर की तरफ है सपोज करिए, और मैं इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालना चाहता हूं। तो इसका मेथड ये होता है कि ध्यान से सुनिएगा, इसका ये मेथड होता है कि मैं एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकाल लेता हूं, एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकाल लेता हूं, फिर जो भी टॉर्क आएगा उसका एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले लूंगा। फिर से सुने, जैसे अगर मुझे किसी भी एक्सिस के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क निकालना है तो अब एक्सिस में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट में इसका टॉर्क निकाल लूंगा, जो भी टॉर्क वेक्टर आएगा मैं उसका एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले लूंगा, उसे हम लोग टॉर्क अबाउट एक्सिस कहते हैं। अगर हमें किसी एक्सिस के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क निकालना है तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे और उस टॉर्क का एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट वी कैलकुलेट, फर्स्ट वी कैलकुलेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द एक्सिस देन we take the component along the when we take component along the axis when we take component along the axis पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेंगे और जो भी टॉर्क आएगा उसका एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेंगे। अब इस बात को मैं समझाता हूं, इधर देखें सब लोग ध्यान से। तो जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना था तो मैं पहले क्या करूंगा, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क ले लिया मैंने, जैसे सपोज कर लेता हूं मैं इस पॉइंट को, मैंने कोई जनरल पॉइंट ए ले लिया, ये वाला पॉइंट मैं एम मान लेता हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो किसके बराबर आएगा, आर क्रॉस एफ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आर वेक्टर ये है, आर वेक्टर ये है, एफ वेक्टर ये, तो आर क्रॉस एफ ऐसे आ जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा टॉर्क। ठीक है, तो अब टॉर्क अगर ऐसा आएगा तो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आएगा टाउ एक्सिस, दिस विल बी इक्वल टू टाउ कॉस थीटा। जो एक्सिस है उसके अबाउट टॉर्क अगर हम निकालेंगे, कुल मिला के हम एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो भी टॉर्क आ रहा होगा उसका एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर मैं इसका टॉर्क निकालना चाहता हूं तो टाउ ये दूरी जो है इसको मैं इस पॉइंट को पी बोल देता हूं, तो एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आएगा, देखना जरा ध्यान से, पहले तो मैं सिंपल इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूं, तो आर वेक्टर ये है, एफ अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो टॉर्क कितना आएगा, आर एफ साइन 90, ये आर एफ आ गया। अब ये आर एफ जो आ गया उसका मुझे इस डायरेक्शन में ये एक्चुअल टॉर्क आ गया, उसका एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट में लूंगा, तो एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट अगर मैं लूंगा तो जो टाउ एक्सिस आएगा ये हो जाएगा आर एफ कॉस थीटा। और थोड़ा ध्यान से देखें, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो अब अगर ये दूरी r के बराबर है, ध्यान से समझिएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, r cos थीटा, r cos थीटा हो जाएगी। तो ये r cos थीटा को मैं लिख सकता हूं r min इंटू f। अब r min इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, किसके अबाउट निकाल रहे हो, किसके अबाउट, किसके अबाउट, किसके अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकालोगे, जो r min आएगा, जो टाउ आएगा वो r min इंटू एफ के बराबर आ जाएगा। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे जब उसका एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लोगे तो जो वैल्यू आनी है वही आ जाएगी, तो थीटा वीटा हट गया ना। ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालते ही r min की जो वैल्यू आ रही है वो तो उतनी आएगी। तो इस तरह से हम लोग एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं। तरीका क्या है, हम पहले एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे और फिर उसके बाद हम
उस जो भी टॉर्क आएगा उसका एक्सिस के लोग कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे तो वही एक्सिस के बाद टॉर्क हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, एक छोटा सा सवाल देता हूं मैं। एक दरवाजा है और ये दरवाजा एक ही हिंज है, इसके बॉड रोटेट कर सकता है, मतलब एक जनरल सिचुएशन है, हिंज के बॉड रोटेट कर सकता है और ये दरवाजे की मतलब चौड़ाई एच है, सॉरी बी है और ऊंचाई एल के बराबर है। तो आपको बताना है फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट हिंज, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट हिंज। हिंज ऐसे है मतलब ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, इस एक्सिस के अबाउट, हाँ इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, तो इस एक्सिस के अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क बताओ। दो हिंज बना देते हैं, चलो एक हिंज यहां भी बना देते हैं। ठीक, एक मिनट सुन लीजिए, हाँ ठीक ठीक, इधर आ जाइए। फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट हिंज नहीं, अबाउट, अब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये वाली एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, अबाउट हिंज नहीं, अबाउट एक्सिस। ये जो एक्सिस है इसके अबाउट दरवाजा रोटेट कर सकता है ना, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क बताना, हिंज के अबाउट नहीं बताना। ठीक है, जीरो आ जाएगा। चलिए देखिए सॉल्व करता हूं मैं। अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने के लिए इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है मुझे, तो मैं एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट, कोई भी एक्सिस का पॉइंट है उसके अबाउट टॉर्क निकाल लेता हूं। चलो यही पॉइंट ले लेता हूं, इसके अबाउट इसका टॉर्क निकालूंगा, तो एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, आर वेक्टर इधर आएगा, आर इधर आ गया, आर इधर आ गया, एफ इधर आ गया, तो जो आर क्रॉस एफ आएगा वो इनवर्स आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो R क्रॉस F अगर अंदर की तरफ आएगा तो उसका एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, जैसे एक वेक्टर इधर है तो उसका एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट जीरो आ जाएगा, तो टॉर्क जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क जीरो होगा, और ग्रेविटी का टॉर्क जीरो होना भी चाहिए, अगर नहीं जीरो होगा, जैसे ये है, ये दरवाजा है, इस पर ग्रेविटी का टॉर्क अगर जीरो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, दरवाजा रोटेट कर जाएगा ना, रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ग्रेविटी का टॉर्क जीरो होगा। तो अब क्यों जीरो आ रहा है, वैसे तो देखो ग्रेविटी का टॉर्क है, आर क्रॉस एफ से आप देखो तो वेक्टर आर इधर है, एफ इधर है, तो ग्रेविटी का टॉर्क अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन एक्सिस के लॉन्ग उसका कंपोनेंट जीरो आ रहा है, जो भी आर क्रॉस एफ आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसका एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट हो जाएगा ना, वो टाउ कॉस 90, तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने का तरीका ये होता है कि एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए आप, फिर उसका एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ले लीजिए, तो जो टॉर्क आएगा उसे हम टॉर्क अबाउट एक्सिस कहते हैं। जिस तरह से वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह, सॉरी मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया था रोटेशन में, फोर्स की जगह टॉर्क आ गया था, उसी तरह से मोमेंटम की जगह यहां पर एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी हम लोग जैसे अभी मैंने टॉर्क सिखाया तो तीन तरह से निकालना सीखते हैं, एक तो किसी भी पार्टिकल का पॉइंट के अबाउट, एक किसी भी रिजिड बॉडी का एक्सिस के अबाउट, और एक किसी भी पार्टिकल का एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम, जो वेक्टर एल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एंगुलर मोमेंटम का किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना सिखाऊंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का किसी गिवन पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो मोमेंटम वेक्टर है वो वेक्टर पी है, मोमेंटम वेलोसिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, वेक्टर पी को हम एम वेक्टर भी बोल सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता मोमेंटम और वेलोसिटी में। तो ये वेक्टर पी है और हम इस पॉइंट ओ के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जो पार्टिकल है उससे उसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें। ठीक है, इस पॉइंट को ओ पॉइंट से कनेक्ट कर दें, कनेक्ट करने के बाद जो एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट आता है उसकी डेफिनेशन ये बनती है, एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है वेक्टर आर क्रॉस पी। टॉर्क आता था आर क्रॉस एफ,
तो ये एंगुलर मोमेंटम आता है आर क्रॉस मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो आर क्रॉस पी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट करें तो मैं आगे समझाता हूं। जैसे टॉर्क की डेफिनेशन बनाई थी ना आर क्रॉस एफ, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम जो है वो आर क्रॉस पी होगा, जहां पी जो है वो इसका मोमेंटम है। अब ये आर क्रॉस पी को थोड़ा और डिटेल में समझा जाए कि भाई ये आर क्रॉस पी जो है ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मान लो कि हम इसकी सिर्फ वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू निकालने के लिए हम आर क्रॉस पी को ऐसा लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा, हम अगर इस एंगल को थीटा बोल दें ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा, और अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं ओ एम, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ओ एम जो डिस्टेंस आएगी ना, इस डिस्टेंस को हम फिर से वही आर परपेंडिकुलर बोलेंगे, और आर परपेंडिकुलर किसके बराबर जाएगा, आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, तो हम इसी को ऐसे कह सकते हैं एल इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू पी। ये सब ज्यादा काम आने वाली डेफिनेशन है। L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आती है वो R परपेंडिकुलर इनटू P है। डायरेक्शन इसका R क्रॉस P से दिया जाएगा, ये वेक्टर R है ये वेक्टर P है, तो डायरेक्शन इसका R क्रॉस P से दिया जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू R परपेंडिकुलर इनटू P के बराबर होती है। अब R परपेंडिकुलर क्या होता है, ये वही होता है जो हमने टॉर्क में आपको सिखाया था कि वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन, वहां फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती थी, यहां वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन होगी, तो वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन पर पॉइंट O से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ है। तो R परपेंडिकुलर जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं R परपेंडिकुलर इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन From O to point M, drawn from O to line of action of velocity, line of action of velocity. Length of perpendicular drawn from O to point, drawn from O on. टू पॉइंट नहीं ऑन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओ ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इज आर परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा ओ से, मतलब ओ जो पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है, तो वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन से पर ओ से डाले गए परपेंडिकुलर की जो लंबाई है उसको हमने आर परपेंडिकुलर बोला, और उसकी जो वैल्यू होगी वो आर साइन थीटा के बराबर जाएगी। इसी एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो ये इस पर्टिकुलर केस में कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस सिचुएशन में देखो ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के बाद, अगर वही पॉइंट यहां होता तब तभी एंटी क्लॉकवाइज जाता है। अगर इस पॉइंट के बाद देखेंगे तो ऐसे घूमने की टेंडेंसी इसके अंदर, पॉइंट यहां है तो ये क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। और इसी एल को हम आर इंटू एफ परपेंडिकुलर भी आर इंटू पी परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, जहां पी परपेंडिकुलर जो है वो पोजिशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, उसका मोमेंटम का कंपोनेंट है। इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है, सब ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है, एल इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू पी, ये इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। यहां तक नोट कर लें सब लोग। तो अब इसके अंदर ये आता है कि जैसे एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम को अगर थोड़ा सा रिलेट करना चाहें दोनों में रिलेशन, तो जैसे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप लोग ये चेक करके बताइएगा कि ये स्टेटमेंट सही या गलत है। स्टेटमेंट ये है, इट इज पॉसिबल दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज जीरो बट मोमेंटम इज नॉन जीरो। फिर से बोल रहा हूं मैं, इट इज पॉसिबल दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज जीरो बट मोमेंटम इज नॉन जीरो। स्टेटमेंट ट्रू है, कोई एग्जाम्पल बताएं जिसमें ये बात सही होगी। हाँ हाँ, पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस पी होता है तो मोमेंटम आ जाए उसमें, लेकिन आर और पी पैरेलल हो जाए। ठीक, अब मान लो टू पार्टिकल सिस्टम में हो सकता है क्या ये? यस सर, हो सकता है। कैसे? जैसे कि एग्जांपल एक बताया सर। हाँ हाँ बताओ। चलो ठीक है, हम बता दे रहे हैं जो एग्जाम्पल है। बिल्कुल हाँ, वही मैं भी बताने जा रहा हूँ, कि आप देखो जैसे ये मान लो दो पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये v से इधर जा रहा है, दोनों का मास सेम है। ठीक है, तो अब अगर आप इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप देखेंगे तो इसका मोमेंटम mv और mv मिला के कितना हो गया 2mv, और एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा mv इधर, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगुलर मोमेंटम इसका जीरो हो जाएगा और मोमेंटम 2mv के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि मोमेंटम तो जीरो हो लेकिन एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो हो? नो सर,
बिल्कुल हो सकता है, सामने एग्जाम्पल है आपके, ये देखिए, अभी बताइए, कुछ विचार दीजिए। मोमेंटम सिस्टम का कितना हो गया, जीरो, लेकिन एंगुलर मोमेंटम 2mv आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम जीरो हो और एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो हो सिस्टम को, और ऐसा भी हो सकता है कि मोमेंटम नॉन जीरो हो और एंगुलर मोमेंटम जीरो आ जाए, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। तो वो मैं नोट लिख दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, इट इज पॉसिबल दैट, इट इज पॉसिबल दैट द मोमेंटम, इट इज पॉसिबल दैट द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज जीरो बट एंगुलर मोमेंटम इज नॉन जीरो, इज नॉन जीरो एंड वाइस वर्सा। मतलब दोनों सही है, ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जीरो हो, मोमेंटम नॉन जीरो हो, या एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो हो, मोमेंटम जीरो हो, ये दोनों बातें हो सकती हैं। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे सवाल दूंगा जहां पर हम एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग along the line 6x plus 8y plus 20 is equal to 0 with speed 10 meters per second. Find the angular momentum about 1.1. एक पार्टिकल है जिसका मास 2 किलो है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है, 6x plus 8y plus 20 is equal to 0 और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। तो आपको 1.1 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पता लगानी है। देखिए इधर आ जाइए, अभी भी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम जो होता है L, ये R परपेंडिकुलर इंटू P होता है, जहां R परपेंडिकुलर जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है उससे वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ होती है। अच्छा, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन तो पढ़ी रखी होगी, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं x, y से, तो परपेंडिकुलर की लेंथ आती है ax plus by plus c upon under root a square plus c square। अभी देखिए हम कहां से डाल रहे हैं, 1.1 से। तो अगर 1.1 से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और इस लाइन पर डाल रहे हैं, तो r परपेंडिकुलर की वैल्यू जो आएगी वह आएगी 6 × 1 plus 8 × 1 plus 20 upon under root of 6 का स्क्वायर plus 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 1 प्लस 8 × 1 ना, तो ये हो जाएगा आपका 14 और 20, 14 और 20 कितना हो जाएगा, 34 by 10, तो ये हो जाएगा 3.4। तो r परपेंडिकुलर आ गया 3.4, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा r परपेंडिकुलर इंटू p, ये हो जाएगा 3.4 इंटू p की वैल्यू आएगी mv, मास 2 किलो है और वेलोसिटी 10 है, 2 × 20, तो ये हो जाएगा 34 × 4, तो ये हो जाएगा 136 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 136 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये आ जाएगा। देखिए एक और सवाल यहां पे आ रहा है, इस सवाल को ध्यान से करिएगा सब लोग, बड़ा अच्छा सवाल है। एक कॉनिकल पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम सर्कुलर मोशन मैंने बताया भी था, आप सबको पता है ये कॉनिकल पेंडुलम है, इसका सस्पेंशन पॉइंट एस है और सर्कल का जो सेंटर है वो ओ मान लिया मैंने, ठीक है। रस्सी की लंबाई एल के बराबर है, एंगल थीटा है, पार्टिकल का मास एम के बराबर है, पार्टिकल का जो मास है वो एम के बराबर है और ये पार्टिकल
वी नॉट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है। कोनिकल पेंडुलम सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, तो जैसे एक रस्सी से मास को बांध के और मास को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा दिया तो वो कोनिकल पेंडुलम होता है। तो ये वी नॉट स्पीड से घूम रहा है। तो इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट एस, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट एस। ये जो पार्टिकल घूम रहा है ना कॉन्स्टेंट स्पीड वी नॉट से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, रस्सी की लंबाई एल, एंगल थीटा है, तो आपको बताना है कि एस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको बताना है। तो जैसे मुझे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है इसका, इस पॉइंट के अबाउट, तो अपने पास रूल यही है कि भाई एंगुलर मोमेंटम जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम एल की जो वैल्यू आती है वो आर परपेंडिकुलर इनटू पी आती है। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी की जो लाइन ऑफ एक्शन है उस लाइन ऑफ एक्शन पर एस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराना। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सभी लोग, वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन, जैसे मैं इस जगह पे देखूं, अगर इस जगह पे देखूं तो ये जो पार्टिकल है बोर्ड के बाहर आता हुआ लगेगा, यहां पर देखूंगा तो बोर्ड के, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं कि आधा ये बोर्ड के बाहर है और डैश डैश वाला बोर्ड के अंदर है, तो अगर यहां पे देखूंगा तो ये बोर्ड के बाहर आता हुआ लगेगा, यहां पे देखूंगा तो बोर्ड के अंदर जाता हुआ लगेगा। अब यानी इस जगह पे अगर देखा जाए ध्यान से तो वेलोसिटी ऐसे होगी। अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी पर यहां से परपेंडिकुलर गिराऊं तो परपेंडिकुलर लंबाई एल के बराबर आएगी, तो जो ये आएगा ये हो जाएगा एल इंटू एम वी नॉट। तो एंगुलर मोमेंटम अगर एस पॉइंट के अबाउट में निकालूंगा तो वह एम वी नॉट इंटू एल के बराबर आएगा। फिर से देखें, वेलोसिटी की जो लाइन ऑफ एक्शन है ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जो भी वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन, जैसे इस जगह पे अच्छे से दिख रहा है, बाकी होगा हर जगह यही, लेकिन इस जगह पे वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे बाहर की तरफ होगी और इस लाइन ऑफ एक्शन पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो एल के बराबर आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी वो एम वी नॉट एल के बराबर आ जाएगी। एक इसके अंदर और क्वेश्चन आता है कि हाँ, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे इस पर्टिकुलर स्टैंड पे, लेकिन ये तो सिमेट्री है ना, तो हर जगह उतना ही आएगा, सिमेट्रिकल सिचुएशन है ना, इस जगह पे देख पा रहे हो आप, बाकी जगह उतने अच्छे से फील नहीं आएगी, पर ये इतना ही आएगा। तो अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। ये एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ये कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? ये एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल होगा क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। जैसे आप डायरेक्शन देखें आर क्रॉस पी, तो यहाँ r वेक्टर ये है, ध्यान से देखिएगा, p वेक्टर ये, तो r क्रॉस p ऐसे आएगा, तो इस जगह पे डायरेक्शन जो होगा कुछ ऐसा होगा। अब अगर मैं इस जगह डायरेक्शन देखूं, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो r वेक्टर तो ये हो गया, p अंदर की तरफ हो जाएगा, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, तो डायरेक्शन इसका बदल रहा है। जो l वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन है वो लगातार बदल रहा है, ठीक है, वैल्यू से कांस्टेंट है इसकी एम वी नॉट एल, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो लगातार बदल रहा है, तो ये एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस OS, एक्सिस OS जो है उसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, और यह भी बताना है आपको कि वो एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा है वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, यह भी बताना है। मतलब OS जो एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और यह भी बताना है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या वेरिएबल है, दोनों बातें बतानी है आपको। तो अगर हम एक्सिस OS के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क निकालने का तरीका यह है कि हम पहले एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं उसका एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ले लेते हैं। तो जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि एस पॉइंट के अबाउट तो मैंने निकाल ही रखा है, ये एस पॉइंट एक्सिस का ही पॉइंट है ना, एस पॉइंट के अबाउट मैंने एंगुलर मोमेंटम निकाल ही रखा है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो भी एंगुलर मोमेंटम है उसका एक्सिस के लॉन्ग मुझे कंपोनेंट लेना है बस, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो एल का एक्सिस के अबाउट जो कंपोनेंट आएगा एल अबाउट एक्सिस इट विल बी इक्वल टू एल कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट एल साइन थीटा। यहां पर देखेंगे तो एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऐसे आएगा। अब इस जगह पर देखें, जरा ध्यान से देखना भाई सब लोग, इस जगह पे अगर हम देखें तो एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो ऐसे आएगा,
तो वैल्यू तो एम वी नॉट एल साइन थीटा कॉन्स्टेंट है ही, और अगर आप देखें किसी भी पॉइंट पे जो एंगुलर मोमेंटम का एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो मैग्नेट डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट हो गया, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कॉन्स्टेंट हो जाएगा इसका, दोनों सेम रह जाएगा। ठीक है।